हाय गाइस, मेरा नाम रवि पावल है और ये मूवी रिक्वेस्ट फ्रॉम डेविल बहुत अच्छा लगा इसमें काम करके, क्योंकि जावेद जी जो हमारे डायरेक्टर हैं और राधे जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट दिखाया हमें, और खासकर मेरी को आर्टिस्ट दिव्या, जो हमारा जो पेयर था, बहुत ही अच्छा लगा इसमें। क्या सब्जेक्ट है मूवी का सब्जेक्ट इस तरीके से है कि एक रिक्वेस्ट आती है, और ये सब फ्रेंड है एक्चुअली पुराने, एक रिक्वेस्ट आती है जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप में जो झगड़े चल रहे होते हैं, और जो पहले जो मेन लीड अपना हीरो है उसके साथ में कुछ घटनाएं घटी है, जिसकी वजह से वो सारी घटनाएं अब हमारे साथ में हो रही है धीरे धीरे। आपके साथ फिल्म और कौन-कौन स्टार कास्ट है? जी, अमेकर प्रकाश ठाकुर और दिव्या शर्मा, रॉबिन चौधरी, आलिया और सनम, और एक और हमारे भाई है राम, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फिलहाल। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, डायरेक्टर साहब हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें ब्रेक दिया है, बहुत अच्छी बात है। और राधे जी, जिनका नेचर तो बहुत अच्छा है ही है, और साथ में वो बहुत भाई की तरह ट्रीट करते हैं बिल्कुल। कैसे मिली है फिल्म आपको? सर, जो जावेद जी है और जो मेरा फ्रेंड है अमेकर, तो इनको मैं पहले से जानता था, तो हम थोड़े टच में रहते थे, तो इस चीज़ पे चर्चा हुआ करती थी। तो एक दिन उन्होंने अचानक से मुझे पूछ लिया कि तुम भी काम करोगे, तो मुझे तो बिल्कुल वो करना ही था काम, ऑफ कोर्स, तो इसी वजह से मुझे काम मिला। परिचय के साथ आपका स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है और मैं रिसेंटली इस टीम से जुड़ी थी, यानी कि इस साल ही मैं इस टीम से जुड़ी थी, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि मुंबई में बहुत कम लोग होते हैं जो एक सडन बेस पे एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, और एक अच्छा जब निकलता है तो शायद अब आप लोग ही उसका रिव्यू करोगे आज, तो ऑनेस्टली तो हमने तो अपना काम किया है। अपने को आर्टिस्ट बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ग्लैड फील किया उस टाइम भी, ऑन सेट भी, जब मुझे मेरा को एक्टर, मेरा साथी जो है, इस तरह से मुझे सपोर्ट किया। हर फिल्म में आपका को एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपके पार्टनर का किरदार निभा रहा हो तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपकी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम बाकायदा ऑन सेट भी हमें दिखानी होती है और ऑन कैमरा भी हमें दिखानी होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आई एम वेरी ग्लैड कि रवि मेरा पार्टनर था। फिल्म शूटिंग कहाँ हुई है और आपका क्या करेक्टर उसमें? पालघर में इसकी शूटिंग मनोहर ओके मनोहर में इसकी शूटिंग हुई थी। मेरा किरदार है अवंतिका का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, जो कि एक स्पिरिचुअल हीलर है। इस सेट पे आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा हुआ है, कोई प्यार वाला कॉम्बिनेशन हुआ? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन हमेशा ये थी, हम हर चीज़ सेट पे परफॉर्म करने से पहले एक बार रिहर्स जरूर करते थे, और वो बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए। शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा वाक्य जो दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सीन एक मेरे साथ हुआ था, क्लाइमैक्स मेन सीन इंपॉर्टेंट है, हर एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती जब आर्टिस्ट जो है वो शायद अपने कैरेक्टर को इतना ज़्यादा समझता है, तो जब चीज़ें इम्बैलेंस होती है तो शायद उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो मेरी जो मेन प्रॉपर्टी है वो टूट चुकी थी, और मुझे उस चीज़ को भी बैलेंस करना था, सब चीज़ों को भी समझना था, अपने को आर्टिस्ट को भी समझना था, तो मेरे लिए चैलेंज था। फिल्म के डायरेक्टर जावेद जी को कितना समझ पाएंगे? मोस्टली हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, बिकॉज हमारी सिर्फ बात होती थी जो हमें ब्रीफ दिया जाता था उस टाइम पे बातचीत हुई। बाकी मैं और भी चाहती हूँ कि सर के साथ कभी ऐसे पर्सनली बैठने का मौका मिले, और हमें और समझ। एक फिल्म जो कम्प्लीट होती है तो आर्टिस्ट के लिए बहुत खुशी की बात है, आज पिक्चर का स्क्रीनिंग हो रहा है, सब लोग देखेंगे, आप अंदर सब कितना खुश है उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब उसकी फिल्म जो है रिलीज होती है और सब लोग उसे देखने आते हैं, और हमारे लिए तो ग्लैड फीलिंग है और प्राउड फीलिंग है। मैं साथ में ये भी कहूँगी कि अच्छा अगर रिव्यू मिलता है हमें उसके, क्योंकि हमें इससे ही आगे काम मिलता है, तो हम भी अपनी ऑनेस्टी से काम करते हैं, और हम भी चाहेंगे कि ऑनेस्टी से ऑडियंस जो इसका रिव्यू करें। आप कहाँ के रहने वाले और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके? मैं बेसिकली तो सोलन हिमाचल प्रदेश से रहने वाली हूँ, और मैंने अभी 3 वेब सीरीज़ की हैं, साथ में मैंने एक फिल्म भी की है, और मैं काफ़ी सीरियल्स कर चुकी हूँ, उसके अलावा मैंने शॉर्ट फिल्म्स और डिजिटल भी बहुत अच्छा काम किया है। नाम बताना चाहेंगे प्रोजेक्ट्स के नाम है? रिसेंटली मैंने एक फिल्म की जिसका नाम है ABLLB, और ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे पहले मैंने एक वूट की सीरीज़ की है, मैंने एक अमेजोन प्राइम के लिए एक सीरीज़ की है, और RVCG के लिए मैं काम करती हूँ रिसेंटली। सर, आपका कोई प्रोजेक्ट या कहाँ कराने वाले आप?
सर मैं हिमाचल सोलन से हूँ, ये मेरे पड़ोसी है जी हाँ, जो कि हमें पता नहीं था जो हमें पता नहीं था प्लान कर गया था क्या? नहीं, नहीं, नहीं नहीं हमें पता ही नहीं था, पता चलता है ऑन द सेट पता चला एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे रहने वाले और मैं हिमाचल सोलन का रहने वाला हूँ। मैंने पहले मॉडलिंग शोज किए हैं बहुत, और पहले जोधा अकबर सीरियल था उसमें मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, और बाकी शॉर्ट फिल्म्स और वीडियो सॉन्ग्स वगैरह किए हैं। शूटिंग पे कभी लंच शेयर किया आपने इनके साथ? अरे डिनर भी किया है शेर, लंच की सी बात कर रहे हो, डिनर खाया हमने साथ में, लंच भी खाया साथ। चलिए आपको नई फिल्म के दोनों की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ओके जी, आप सभी को, और हम भी चाहेंगे कि आप सभी इसका अच्छा और ऑनेस्ट रिव्यू दें, कुछ भी कमी पेशी हो तो उसके लिए हमें माफ कर देना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेस्ट फ्रेंड द डेविल। चलिए शुरू करिए, अभी एक बार चेकिंग कर रहे थे, न्यू रिहर्सल कर रहे थे। चलिए अब स्टार्ट। हाय, मेरा नाम आलिया है और मेरी फिल्म आ रही है, यानी हमारी फिल्म आ रही है रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेविल। सर आप कहेंगे? हमारी फिल्म भी आने वाली है, हमारी जिसका रंग जिसका नाम है रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेविल। फ्रॉम द डेविल। तो आप आपके अपोजिट ये हैं? हाँ जी। तो इतनी खूबसूरत लड़की है, पटा ली रहे हैं। देखो ये तो किरदार है, अच्छा। पटाया किसी ने किसी को भी नहीं है, रियल लाइफ में नहीं पटा पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के बारे में? हाँ, फिल्म के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जो फिल्म है ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, और इस फिल्म को करके मैंने जो कि जो डुअल कैरेक्टर होता है, जो पहले मैं बहुत सीधा इंसान होता हूँ, जो कि ना गाली ना गलौज ना नशा ना नशा कुछ भी, इनके मिलते हैं हाँ, और ये बिगड़ जाते हैं, बिगड़ जाता हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा नशे वाला इंसान, मैं गजोदर से अर्थ बन जाता हूँ और ये बन जाती है पीस। मैं पीस ही थी पहले से, इसलिए ट्रक के पीछे लिखा होता है हाँ। नजर हटी दुर्घटना वो सब हुआ था, मगर दुर्घटना इतनी बुरी नहीं हुई, अच्छी दुर्घटना थी। तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म के डायरेक्टर, हमें कितना अच्छा लगा उनके साथ काम करके? बोलिए जी। उनके साथ बहुत बहुत मज़ा आया एक्चुअली में, घर जैसा फीलिंग हुआ, एनवायरनमेंट था और मज़ा आ गया सच में, मतलब ऐसे डायरेक्टर मैंने देखा ही नहीं, वेरी वेरी कट टू कट, वेरी प्रोफेशनल। कैरेक्टर क्या फिल्म में आपकी? जी मेरा नाम था पीस उसमें, और मैं एक ड्रग एडिक्ट रहती हूँ, तो मैं इस प्यारे से नन्हे से भोले से इंसान को बिगाड़ देती हूँ, बिगाड़ देती हूँ। बहुत नशे कराती हूँ वैसे। और जो भी था, मैंने जो फिल्म की है, आज से पहले काफ़ी फिल्में की है मैंने, वेब सीरीज की है मैंने, सीरियल्स की है मैंने, मगर जो हमारी ये आलिया है जिसका नाम है पीस, इसके साथ जो मेरा पेयर था, जो हमारी केमिस्ट्री थी, दो एकदम मतलब नेचुरल थी, जो कि हम एक दूसरे को काफ़ी साल से जानते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, रियल लाइफ में दो आलिया हैं, एक ही आलिया है, एक वो बॉलीवुड वाली, दोनों किसे पसंद करेंगे? देखो पसंद तो मैं ही करूंगा, मी 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 आई एम वो पता नहीं कहाँ है, ये यहाँ है, पसंद नहीं करूँगा मैं। तो ये तो गलत आदत बताती है ड्रग्स को। हाँ तो कोई बात नहीं ना, आदत तो खराब होती है। अभी अभी मैं हूँ ना, तो मुझे बोलेंगे ना वो जब आलिया भट्ट बोलेंगे तो आलिया भट्ट आएगी। और आपके साथ कौन कौन स्टार कास्ट है? सनम है, दिव्या है, पूजा है, अमेकर जी हैं, रवि हैं, और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए, और इतने अच्छे दोस्त बन गए कि हम उसके बाद भी मिलते रहते हैं दूसरे से। फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? फिल्म के बारे में बोलना चाहता हूँ सर कि जो फिल्म है, हमारे दोस्त हैं डायरेक्टर सर और अपने अमेकर प्रकाश ठाकुर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है बहुत ही कम समय में, और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो जो चीज़ें थी, मतलब कि कम समय में पिक्चर बनाना और कम समय में लिखना बहुत मुश्किल था, जो मेकर भाई हैं अपने, वो मेरे कम से कम 12 साल पुराने दोस्त हैं, उन्होंने जो डायलॉग से लेकर स्क्रीन प्ले से लेकर पूरी राइटिंग से लेकर इतना फास्ट काम किया, और हमारे डायरेक्टर सर जावेद जी, उन्होंने फास्ट शूट किया, तो मैं बड़ा खुश हूँ उस चीज़ को लेकर कि इतनी जल्दी काम भी हो सकता है। क्यों आलिया, दर्शक हमारी फिल्म क्यों देखे? अगर आप लोग हॉरर में बिलीव करते हैं या आपका वो जॉनर है तो जरूर देखिए, क्योंकि ये आप लोग के होश उड़ाने वाला है। तो हॉरर तो सामने दिख रहे हैं। एक्चुअली फिल्म देखना इसलिए जरूरी नहीं, फिल्म देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट, जो कि मतलब एक दोस्त जो होता है, वो जो तीन कपल हैं वो आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, इनकी लाइफ बहुत ही ख़राब चल रही होती है, एक इंसान जो उनका बहुत पुराना दोस्त था, वो कैसे उनको झगड़ा करवा कर उनको अलग करके कैसे एक करता है, वो दोस्ती दिखाई उसने, वो
बिहाफ ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट के थ्रू. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज के ज़माने में ऐसे लोग भी होते हैं कि दोस्तों को एक करते हैं. नहीं तो आप तो जानते हो दुनिया के बारे में क्यों. सही बात. हाँ. आप कहाँ के रहने वाले और कौन कौन से प्रोजेक्ट करते हैं. मैं जी हाँ मैं रहने वाला हूँ अलीगढ़ का और अभी मैं कर रहा हूँ यशराज की मूवी जिसका नाम है द रेलवे मैन. वेब सीरीज है वो. उसके बाद मैं कर रहा हूँ बाहुबली 3 जिसमें छोटा सा करेक्टर कर रहा हूँ. बाकी अपना जो छोटे मोटे तो बाहुबली आप ही लग रहे हैं उसमें. हाँ बाहुबली आप ही लग रहे हैं. तो मैं भी फट जाऊँ उड़ जाऊँ मतलब बन जाऊँ क्या कर रही थी. और कुछ कहना है आपको. कब तक दर्शक इस फिल्म को देख सकते हैं. जल्दी. नमस्कार मेरा नाम अमियकर प्रकाश ठाकुर है और मेरे साथ में. हाय एवरीवन मैं हूँ सनम पठान. सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी. आप सब लोगों ने वक्त निकाला. उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे प्रोड्यूसर का. उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे को एक्टर्स का. उसके बाद मैं सारी प्रोडक्शन टीम जितनी हमारे साथ टीमों ने काम किया है सबको मैं अपनी तरफ से थैंक यू कहना चाहती हूँ दिल से. थैंक यू सो मच. हाय आई एम सुमन सिंह और नमस्कार और कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी सभी टीम को. ठाकुर जी बहुत अच्छा लग रहा होगा दो हीरोनों के बीच में बैठे हैं. सर ये मेरा सौभाग्य है कि पूरी पिक्चर मुझे हमेशा दो हीरोनों के बीच में बैठने को मिला है. और सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसको विस्तार से बताना चाहूँगा. हाँ. कि ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है. जॉनर इसका हॉरर है पर इसमें रिश्तों की मजबूती को हमने बहुत ध्यान से दिखाया है. एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा कैसे उनका परिवार टूटता बिखरता चला जाता है लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना जब मुश्किलें सबसे ज़्यादा होती है तभी प्यार सबसे ज़्यादा पनप कर आता है. और इसमें दोस्ती भी आपको देखने को मिलेगी कॉलेज की मस्तियाँ देखने को मिलेंगी और जिन लोगों को हॉरर का शौक़ है उनके तो रोंगटे खड़े होने वाले हैं. और कुछ कैरेक्टर के बारे में अपना बताना चाहूँगा कि मैं इस फिल्म का पहले तो नाम है रिक्वेस्ट फ्रॉम डेविल और आपका डेविल में ही. इसका मतलब बताइए रिक्वेस्ट फ्रॉम डेविल का. सर रिक्वेस्ट फ्रॉम डेविल का मतलब है कि जब आपको डेविल खुद सामने से अप्रोच करता है यानी जब वो खुद आपसे मिलना चाहता है. और इस फिल्म में भी यही है. जैसे आपको आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है वैसे ही डेविल आपको रिक्वेस्ट भेजता है और वो आपका फ्रेंड होता है. तो यही उधेड़ बुन इस फिल्म में पूरी चलती आ रही है और यही इस फिल्म का पूरा ये है. अब जावेद जी के साथ काम करके कैसा लगा आपको. जावेद भाई मेरे 12 साल पुराने मित्र हैं. हमने साथ में ही काफ़ी प्रोजेक्ट इससे पहले भी किए हैं और काफ़ी मजे हुए डायरेक्टर हैं. अपने काम को बहुत अच्छे से जानते हैं. यमला पगला 2 में थे वो डायरेक्शन टीम में. उन्होंने गदर में भी डायरेक्शन टीम में रहे हैं और काफ़ी काम किया है. ओवर 150 से ऊपर उन्होंने म्यूज़िक वीडियोज़ एंड एल्बम्स किए हुए हैं. शॉर्ट फिल्म में तो कम से कम मैंने ही उनके साथ 7-8 की होंगी. तो हमारी ट्यूनिंग हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है. तो हम हर वक्त कह सकते हैं कि ये एक परिवार है एक टीम है. ये जो आप सारे को आर्टिस्ट देख रहे हैं जो हमारे दोनों बैठे हैं डायरेक्टर हो गए प्रोड्यूसर हो गए एक परिवार है और हम इसी तरह से साथ साथ चलते हैं और साथ साथ काम भी करते हैं. कितना हेल्प करते हैं को एक्टर्स तो हमेशा बेस्ट ही होते हैं. ये हमारे बेस्ट को एक्टर है जो यही डेविल है. इन्होंने हमें बहुत डराया है. इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्होंने सेट पे भी हम सबकी बहुत हेल्प की जितने को एक्टर्स थे. हमें बहुत अच्छा आप किसी से डरा सकती हैं वो तो आपको फिल्म देख के पता चलेगा मैं कितनों को डरा सकती हूँ. सो आप लोग वेट कीजिए फिल्म का. भूत और चुड़ैल वाला रोल है. नहीं मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है. मेरा एक्चुअली बहुत नॉटी है. अच्छा. जो मेरा कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा नॉटी है. इसलिए आपने बोला आप डरा सकते हो तो लोग मुझे देख के एंटरटेन होंगे. मेरा जो इसमें कैरेक्टर था बहुत ज़्यादा शरारती है. बहुत खूबसूरत लग रहा है. आपसे थैंक यू. और क्या कहना चाहेंगे फिल्म का क्या कैरेक्टर आपका और प्रोड्यूसर बारे में. सबसे तो पहले मैं प्रोड्यूसर साहब को थैंक यू फिर से बोलना चाहूँगी क्योंकि उनके वजह से ये पूरी फिल्म है. उनके वजह से हम हैं और उनकी वजह से जितनी भी ये चीज़ें हो रही है सिर्फ उनके वजह से हो रही है. नाम क्या? मुझे उनका नाम तो नहीं पता. राधे श्याम जी. मैं उनको विश्वकर्मा जी बोलती हूँ. हाँ मैं उनको विश्वकर्मा जी बोलती हूँ. सो फिल्म जो है हमारी बहुत ही एंटरटेनिंग है. कुछ नया प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेगा. कोई नया कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा. बहुत सी चीज़ें जैसे अमेकित जी ने कहा आपको सीखने मिलेगी. जैसे रिश्तों की मजबूती और दोस्त
जैसे दोस्ती में गहरा प्यार होता है, वो प्यार आप लोगों को देखने मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको, रोमांस, डांस, सॉन्ग्स, बहुत सारे आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा इसमें। कितने सॉन्ग हैं आपके ऊपर? मुझ पे इसमें दो सॉन्ग हैं, दो सॉन्ग। कैसा लगता है म्यूजिक बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, म्यूजिक जो है, म्यूजिक तो बहुत अच्छी है, उसकी लिरिक्स भी बहुत अच्छी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और अपने बाइट्स भी दीजिएगा। इस फिल्म में सब कुछ है, म्यूजिक तो अच्छा है ही, और सिर्फ हॉरर ही नहीं है इसमें, लव ट्रायंगल भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक्शन भी बहुत अच्छा है इस फिल्म का। प्यार करती हैं इनसे? और मैं बचपन से प्यार करती हूँ इनसे। ज़्यादा स्टोरी तो नहीं बता रही हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। बेसिकली इनका कैरेक्टर बहुत मिस्टीरियस है। हाँ राइट, बहुत। तो बचपन से, बचपन की जो मोहब्बत है वो, हाँ वो जब हम बड़े हो जाते हैं तब वो रंग लाती है। कितने परेशान करते हैं सेट पे आपको? ये बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली ये बहुत सपोर्टिव है, और मैं अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा कर पाई हूँ तो वो इनकी वजह से और जावेद जी की वजह से, क्योंकि ये सबको ही सपोर्ट करते हैं और सबको हैंडल करते हैं सेट पे। जावेद जी के बारे में पूछना चाहेंगे? मैंने उनके साथ फर्स्ट फिल्म की है अभी, बट वो बहुत बेस्ट डायरेक्टर है, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि काम पे पूरे फोकस्ड रहते हैं और उनकी वजह से ही सीन्स बहुत अच्छे निकल करके आते हैं, तो क्रेडिट गोज़ टू हिम। कितनी खुशी हुई आपकी फिल्म का स्क्रीनिंग है? बहुत ज़्यादा, अगर 100 में से दूँ तो 1000%। अभी तो फिल्म देखना बाकी है एक्चुअली। ठाकुर साहब, राम गोल वर्मा की जो फिल्म बनती है हॉरर बहुत होती है, जी जी, कितना उसको आप जान सकते हैं सीमा से? सर, एक डायरेक्टर के काम को दूसरे डायरेक्टर से कंपेयर करना मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, क्योंकि हर डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल होता है फिल्म मेकिंग का, और हर डायरेक्टर का अपना एक तरीका होता है फिल्म मेकिंग का, तो इसलिए किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। बट लेकिन ये है कि आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टर ने कितनी मेहनत की है हर शॉट में, और सिर्फ डायरेक्टर ने ही नहीं, हमारी पूरी टीम ने, आप सनी सर डीओपी हैं हमारे, म्यूज़िक अमजद सर ने दिया है, हमारे प्रोड्यूसर हैं दोनों विश्वकर्मा सर और राधेश्याम गौड़ जी, फिर मेरे को आर्टिस्ट रवि पावल हो गए, रॉबिन चौधरी हो गए, और राम, राम यहाँ है नहीं क्योंकि आपको मैं बता दूं कि राम एक आर्मी ऑफिसर है और वो अभी इस वक्त अपने देश के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, तो जब उनकी छुट्टी हुई थी तो वो आए थे ये फिल्म करने के लिए, और ये फिल्म कर वो चले गए और वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके देश के लिए लड़ रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य का काम है कि हमें उनके साथ काम करने को मिला। फिर आप इनसे मिल ही चुके हैं, इनसे भी मिल चुके हैं, आलिया से भी मिल चुके, अब आलिया है इसमें, एक पूजा है, पूजा विश्वकर्मा, वो अभी हमारे बीच में मौजूद नहीं है क्योंकि वो एक साउथ की प्रोजेक्ट कर रही हैं, तो वो अभी साउथ में है, और साथ में हमारे साथ में दिव्या भी है इस फिल्म। दर्शक फिल्म कब तक देख सकते हैं थिएटर में? सर बहुत जल्दी हम डेट अनाउंस करेंगे कि कब देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 से 1.5 महीने के अंदर का वक्त लेना चाहिए, उससे ज़्यादा का वक्त नहीं, लेकिन एक फिर एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी डेट की, और फिर हम लोग वापस मिलेंगे। दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म, अगर आप अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, अच्छी अच्छे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक अच्छी स्टोरी लाइन को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अच्छे कलाकारों को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप एक परफॉर्मेंस बेस्ड, एक स्टोरी बेस्ड फिल्म देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कंटेंट इज़ द हीरो, और हमारी फिल्म का कंटेंट हीरो है, राइट? राइट, कुछ डिफरेंट देखना है तो ये फिल्म देखने ज़रूर आइए। हाय, मैं जावेद हाशमी, डायरेक्टर, आज मेरी फिल्म रिक्वेस्ट फ्रॉम डेविल उसका प्रीमियर है, सारे लोग आए हैं, आर्टिस्ट में अमेंग प्रकाश ठाकुर, रवि पवाल, रोबिन चौधरी और अवंतिका, दिव्या शर्मा, हमारे डीओपी साथ में बैठे हैं सनी शर्मा जी, प्रोड्यूसर हैं राधेश्याम बी गौड़, दूसरे प्रोड्यूसर हैं बलराम विश्वकर्मा। गीत संगीत किसका है? गीत लिखे हैं रामानंद यादव और अमेंग प्रकाश ठाकुर। फिल्म शूटिंग कहाँ हुई है और कितने दिन तक हुई है? हमने किया पालघर मनोर में, फिल्म शूट हुआ है 7 दिन का। अच्छा, किस तरह का सब्जेक्ट है ये? मर्डर मिस्ट्री हॉरर टच है, आज के दौर में हर किसी को मतलब एक सिस्टम होता है, सोचने का समझने का रहता है, फ्रेंड बना तो लेते हैं लोग, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि हम कौन से फ्रेंड को चूज करें, किस पे हम काम करें, होता है कुछ अच्छे भी फ्रेंड निकलते हैं, और ज़्यादातर तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, बुरे ही मिलते हैं, फंसाने वाले मिलते हैं,
तो ये चला। बॉलीवुड कई फिल्मों का ऐसे निर्देशन कर चुके हैं जी, नए आर्टिस्ट को लेकर कितना कठिन होता है फिल्म बनाना? नहीं बिल्कुल नहीं होता सर, आर्टिस्ट अगर अच्छा है तो काम अच्छा होता है। सारे बेहतरीन कलाकार हैं, जो भी मेरे फिल्म का कास्टिंग है सब आर्टिस्ट अच्छे हैं, कोशिश अच्छा किया है सबने और अच्छा आउटपुट अच्छा है सारे लोगों का। कब तक दर्शक देख सकते सिनेमा? महीना मन मंथ जाएगा। आपकी क्या खूबी है कि हिंदी फिल्मों में? हिंदी फिल्मों से जुड़ा रहा हूँ और ख़ास तौर से साफ सुथरी अच्छी फिल्म बनाने का मकसद रहा है और उसी पे कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। आपके बगल में बहुत खूबसूरत कन्या बैठी है, कुछ बताएं? हाँ, इनका नाम है आशिया। आशिया अच्छी आर्टिस्ट हैं और काम भी किए हैं, अगली फिल्म में मेरे ये रहेंगे। फाइनल हो गया? हाँ फाइनल है। और कौन कौन सी फिल्म आपकी बनकर तैयार है? अभी फिलहाल बनकर तो नहीं तैयार है, मेरी एक फिल्म है रावण करके, रावण द किंग, उसको हम कर रहे हैं लेकर के जितेंद्र कुमार जीतू जो नेटफ्लिक्स का हीरो है, एक कर रहे हैं विभक्त। दो प्रोजेक्ट मेरा ऑन चल रहा है, एक का तकरीबन बजट है 9-9.5 crore और रावण चल रहा है मेरा तकरीबन 5.5 crore के आसपास का। दोनों का काम वर्क चल रहा है, म्यूजिक पे काम चल रहा है, चैनल से बात हो चुका है, सारा फाइनल। फिल्म निर्माता कितना सहयोग करता है? बढ़िया है निर्माता, बेहतरीन, दिल के अच्छे, ईमानदार, बढ़िया इंसान। दर्शकों से क्या उम्मीद है इस सिनेमा से? दर्शक देखेगा, उम्मीद है कि पसंद करेगा सिनेमा, अच्छा लगेगा, एक मैसेज जाएगा। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर पर में? हाँ सर, बहुत ही डाउन टू अर्थ एंड बहुत प्यारे, और सर का एक सीक्रेट जो मुझे पता चला है, सर फेस रीडिंग कर लेते हैं। और इतने भी बता दिए सर, कितनी गर्लफ्रेंड होंगी? आप मुझसे गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों पूछते हो? रीडिंग की आप मुझसे पूछ रहा हूं? नहीं नहीं, ये चीज़ें मैं रीड नहीं करती। मैं सर आप लोगों ने बताया था जी। नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सनी कुमार शर्मा और हम लोगों ने इस फिल्म के लिए पहली बार मिले थे, मुलाकात हुई थी हमारे संजय सर के वजह से, संजय सुमन जी डांस मास्टर हैं उनके वजह से। तो सर से मिलवाया जब मिल के हम लोग मतलब चले गए, कुछ बात उत नहीं हुआ, नेक्स्ट डे फ़ोन आया ऐसा ऐसा है कि आज फिल्म करेंगे, तो आया फिर मिला तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद नेचर वाइज मतलब गुड पर्सन, उसके बाद प्रोड्यूसर साहब से मिला, एकदम मतलब भाई की तरह हैं, डाउन टू अर्थ। कैसी लगी आपको अपनी फिल्म? फिल्म तो अभी तक तो हम लोगों ने बनाया है तो पब्लिक बताएगी, हम लोग तो अच्छा बनाया सोच समझ के, लेकिन अब जनता जनार्दन बताएगा कि फिल्म कैसी लगी उनको, जब आएगी सामने प्रेजेंट करेंगे तो ही बता सकते हैं। फिल्म के बारे में बताइए और आप लोगों की तरफ से क्या शुभकामनाएं होगी फिल्म के लिए? सर आपसे स्टार्ट। मुझसे स्टार्ट करेंगे? चलिए, फिल्म के बारे में यही कहूँगा कि जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि मैंने तो इसके कोई रशेस वगैरह देखे नहीं थे, लेकिन आया हूँ और मुझे सरप्राइज पैकेज मिला है बिल्कुल, जिस हिसाब से जावेद जो मेरे दोस्त भी हैं, डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म के, और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, कम ड्यूरेशन में हर चीज़ को ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छी ग्रिप है फिल्म की। और कास्ट को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उनके फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छे से काम करें और सबने बहुत मिल के एक अच्छी केमिस्ट्री के साथ काम किया है। सर यस, इनफैक्ट इन्होंने ज़्यादातर बातें बोल दी हैं, इवन आई वॉज सरप्राइज जब मैं देख रहा था लाइक ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंसेज, डायरेक्शन आई थिंक लाजवाब है एंड इट्स क्वाइट ग्रिपिंग, स्टोरी इज क्वाइट ग्रिपिंग, इट्स वेरी इंटेंस, तो एट टाइम्स मुझे लगा कि इसने डरा दिया दैट पिक्चर, यू नो दैट लिटिल फील। और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में उनको क्या बेस्ट विशेस देना चाहिए? आई थिंक ऑल दीस गाइस आर लाइक यू नो दे आर वेरी गुड एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा जो इन लोग बोल रहे हैं उनके साथ हाँ में हाँ मिलाना है, बिकॉज वाकई सराहनीय प्रयास है और जावेद भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, और जहाँ तक कास्ट एंड क्रू की बात है तो हर एक्टर ने अपने हिसाब से बेहतर किया है, तो मेरी तो शुभकामनाएं फिल्म चले, हिट हो, लोगों तक पहुंचे, बहुत ही अच्छा प्रयास, यही बोलना चाहेंगे, एफर्ट जिसने भी किया है पूरी एक टीम दिख रही है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।